काजू रबड़ी, इंडियन प्राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, काजू रोल। वाओ, मुँह में पानी आ रहा है यार। काला जामुन ओनली 2.5 पर के जी, गुलाब जामुन। यहाँ पे खा सकते खड़े हो गए, उधर खा सकते। ये देखिए, ये भाई कचौरी पकौड़ी समोसा एक साथ में। लोग आते हैं ना तो लिबरेशन टावर का फोटो जरूर लेते हैं भाई। हिना अंसारी फोटो ले रही है। अच्छा, आई लव कुवैत, माशाल्लाह। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से, मिर्गाप से। तो ये भाई मिर्गाप का कुछ एरिया। तो आज मैं यूपी को ना कुवैत में लेकर के आने वाला हूँ। जी ऑफ कोर्स, यूपी इन कुवैत। तो चलिए फिर, मिर्गाप में एक यूपी रेस्टोरेंट है, यूपी कचौरी वाला करके एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर यूपी के जो भी आइटम्स हैं ना मिलते हैं। और हम यूपी वाले तो खाने पीने में भाई बहुत ही आगे हैं, और यूपी वालों को पता नहीं, बट मैं बहुत आगे हूँ। मुझे स्वीट्स वगैरह बहुत ही पसंद है। तो आज से कुछ दिन पहले मैं उस यूपी वाला रेस्टोरेंट, यूपी कचौरी वाला रेस्टोरेंट के पास गया था। तो वहाँ पर बहुत सारे स्वीट्स थे, कचौरी था, पकौड़ी था, बहुत कुछ थे। तो सोचा कि एमएफकेंस के साथ शेयर करना ज़रूरी होगा। तो ये एरिया है एमएफकेंस, और मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा दूंगा कहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, कैसे आप आ सकते हो, और वहाँ के जो स्वीट्स हैं और जो भी चीज़ें महंगी है या सस्ती है, तो पूरा इस ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा। लोकेशन भी यहाँ का दे दूंगा, आप उसके थ्रू आ सकते हो। चलिए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कौन कौन से स्वीट्स हैं और क्या क्या है, और टेस्ट जेन्युइन जो रहेगा मैं बताऊँगा। लोकेशन कुछ ऐसा है, एमएफकेंस एबीके बैंक है, ओके। और यहाँ पर मैकडोनल्ड है, देख सकते हो मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड से जस्ट अपोजिट साइड में ये अल्मोला एक्सचेंज है, मैकडोनल्ड वहाँ पे है, वो दिख रहा है। ये अल्मोला एक्सचेंज है, इसी के जस्ट बगल में है। यहाँ पे आप लोगों को नेस्टो दिख रहा होगा, नेस्टो के ठीक सामने। यहाँ पे यूपी फॉर यू MP09 रेस्टोरेंट। भाई देखो, MP भी है यहाँ पे, यूपी के साथ साथ MP। और ये एमएफकेंस यूपी कचौरी वाला, और ये शॉप है। हाँ, यहाँ पे यूपी के हर स्वीट्स आपको मिलेंगे, देख सकते हो। काजू रबड़ी, काजू करींगन, प्राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, काजू रोल। वाओ, मुँह में पानी आ रहा है यार। लस्सी यहाँ का बहुत अच्छा, मैंने पिया यहाँ का लस्सी। काला जामुन ओनली 2.5 पर के जी, गुलाब जामुन। लस्सी यहाँ पे कलर वाला मिलता है, स्वीट देख रहे हो भाई। ये क्या, इसका क्या प्राइस है पर के जी? 30 नहीं, पर के जी 4 के डी का, पर मतलब 1 के जी 4 के डी का है। बहुत सारे स्वीट हैं आपके पास। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये कचौड़ी के लिए ज़्यादा फेमस है, और पकौड़ी भी देख सकते हो। छोटा है बट बहुत बहुत ज़्यादा चलता है। चलिए यहाँ का अभी पकौड़ी ट्राई करते हैं और कचौड़ी भी ट्राई करते हैं। समोसा भी मिलता है यहाँ पर भैया। आप समोसा क्या प्राइस है? 100 150 का। और कचौड़ी का सेम प्राइस है। समोसा जो है वो 150 का है, कचौड़ी भी 150 का है। तो 150 का आई थिंक इंडिया का हो जाएगा कुछ 40 रुपये के आसपास हो जाएगा। और ये 100 का मिलेगा क्या? मिलेगा। तो चलिए फिर 150 का ये दे दो, और एक समोसा दे दो, एक कचौरी दे दो, तीनों एक एक दे दो, निकालो फिर देखते हैं। यहाँ पे खा सकते खड़े हो गए, उधर खा सकते। ये देखिए, ये भाई कचौरी पकौड़ी समोसा एक साथ में। यहाँ पे आप खड़े होकर इजिली खा सकते हो, देखते कैसा। तो बहुत सही है फ्रेंड्स, कचौरी 150 फ्रेंड्स में इतना बड़ा समोसा है, साथ में मिर्ची भी है। और एक बात है एमएफकेंस, पूरे कुवैत में आपको ना छोटे मोटे रेस्टोरेंट में पानी मिलता नहीं है, आपको परचेस करना पड़ता है। बट यहाँ पे तलाजा लगा हुआ है, आप खाते रहो यहाँ पे, पानी पीते रहो, छोटा सा जग है। तो चलो ये बढ़िया है, और ये तलाजा पूरा चिल है, मतलब ठंडा पानी आपको यहाँ पर मिलेगा।
तो कचौरी का देख लेते हैं। पैसा वसूल। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आप लोगों को इस रेस्टोरेंट के बारे में पता था कि नहीं पता था। अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो आ करके यहाँ पर ज़रूर खाइए। बहुत ही टेस्टी टेस्टी यहाँ पर स्वीट्स वगैरह और ये सब मिलता है। खा के स्वीट वगैरह लेकर के फिर चलते हैं यहाँ से। मैं स्वीट लेकर के जाऊँगा आपके, बने रहें। एक खास बात है मेफकिंस, पर केजी तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पे आप पर पीस भी ले सकते हो। जैसे गुलाब जामुन 100 फिल्स का मिल जाएगा, और ये रूबा दिनार में ये जितने भी आपको स्वीट्स दिख रहे हैं 200 फिल्स रूबा दिनार सब मिक्स रहता है, तो आप यहाँ पर आकर के देख लीजिएगा। तो ये रूबा दिनार का है, और यहाँ पे स्वीट्स की काफ़ी वेरायटी है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्वीट है। तो दो दो पीस मैं लेकर के जाऊँगा अभी यहाँ से, वो घर पर जाके खाएँगे। और यहाँ की लस्सी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये लस्सी है, ड्राई फ्रूट्स वाला जो है वो नूसकेडी का है, और नॉर्मल वाला आपको रूबा दिनार का पड़ेगा। तो ये रहा छोटा सा शॉप यूपी कचौरी वाला का रेस्टोरेंट, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आप कैंस, जो यहाँ से लेना था यूपी वाला से ले चुका हूँ, और चलता हूँ फिर यहाँ से। यहाँ की लस्सी जो है ना वो ऑलमोस्ट मस्त लगती है प्राइस के हिसाब से, तो रूबा दिनार का है तो सही है। ठीक है, मेरे को ना स्वीट्स के बहुत बहुत शौक है, और यहाँ पर अक्सर मैं अब आता रहूँगा। यहाँ के स्वीट जो है ना वो रिजनेबल प्राइस में है। बाकी अदर अगर रेस्टोरेंट में आप जाओ तो वहाँ पे 8 KD 10 KD से कम स्वीट्स मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई 4 KD 5 के अंडर 5 KD में यहाँ पे अच्छे अच्छे स्वीट्स हैं। तो यहाँ से अक्सर आकर के खाता रहूँगा और आप लोगों को भी खिलाता रहूँगा। चलिए फिर, आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, हाय। फोटो ले रही हैं, लोग आते हैं ना तो लिबरेशन टावर का फोटो जरूर लेते हैं भाई। हिना अंसारी फोटो ले रही है किसी अननोन पर्सन का। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम बीजी हो गई आते आते। सलाम। आपका बच्चा आरू नाम है ना, साथ में ही घूम रहा है। हाय। ओके ओके, सो यूपी वाली लस्सी हिना आप पी रही हैं। ये हमारी यूपी का लस्सी आप पीके बताइए। अभी मैं ब्लॉग बना के आ रहा हूँ, हाँ? आप ट्राई कीजिए पहले। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट है, हाँ, कचौरी वाला रेस्टोरेंट, वहाँ पर ये लस्सी मिलता है। अच्छा, डिफरेंट स्वीट मिलते हैं और कचौरी समोसा। तो आप प्रमोट कर रहे हो इसको? अच्छा, बहुत टेस्टी है लस्सी। तो काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे, कितने दिन बाद मिल रहे हम लोग? हाँ, और इनका जो चैनल था ना भाई वो भी डिलीट हो गया। बहुत मेहनत किया इन्होंने यार उस चैनल पे, बट चैनल डिलीट हो गया। आई थिंक मोनेटाइज भी हो गया था ना, हो गया था। कुछ डॉलर आए थे कि नहीं? डॉलर आए थे, चले गए, चले गए यार। चलो फिर कोई बात नहीं, अब शायद इस लिंक से इस चैनल से ये ग्रो कर सके। बढ़िया, इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर रही हैं, 100K+ हो गया इनका इंस्टाग्राम पे। हाँ, उस पर अच्छा चल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और हिना आपकी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। ये दूसरा चैनल है उनका, तो उन पर भी उस चैनल पर भी आप लोग सपोर्ट करो उनको। बाकी आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।